दर्शकबिन नमस्कार, फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थिति भइसकेको छु। आइसिंह ठकुरी केही समयदेखि टिकटक लाइभमा देखा परिरहेका थिएनन्, तर आज भने अचानक एलिजा जमाली दुबईदेखि नेपाल आइसिंह ठकुरीलाई भेट्नको निम्ति आइपुगेकी छिन्। यो दृश्य भने तपाईँ हामीले देखिरहेको यो दृश्य भने नेपाल एयरपोर्टको हो। दर्शकबिन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह र सुझाव दिनुहोला र यस्तै यस्तै भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति हुनेछौँ। जिस टाइम मैं उड़ने लगूंगी, ओके तो जिस टाइम मैं आप लोगों को हिंट दूंगी उस टाइम आप लोग समझ जाना कि अलीजे जो है आसमान पर है, मतलब शी इज नॉट इन दुबई एंड शी इज ऑन द वे। तो हाँ, बट आई एम नॉट गोइंग टूडे, आज की नहीं है, बट प्रॉमिस आई एम गोना गिव यू ऑल हिंट, प्रॉमिस। और वो हिंट से आप लोगों को पता लग जाएगा कि ओके शी इज गोइंग। ओके चाहिए जब मैं आयुष के साथ हूँ, रुकते भी एडिटर जिधर बैठी है ना पूरी पेज भरना, मैं बता रही हूँ जिस दिन हम लोग मिले जो हमें नहीं भी पसंद करते ना उनके भी फोन पे बता रहे थे कि लीजे आयुष मिल गए। तो मेरा तो दांत ही बंद नहीं होते, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, कितने टाइम बाद मिल रही हूँ मैं कसम से। मैं तो हाथ भी नहीं छोड़ने वाली, मैं तो खा जाऊंगी उसको। हेलो लीजे, हेलो एफ आई पी तो आयुजे का है होते है। मैं ये नहीं बोल रही कि जब मैं आऊ नेपाल तो फोर यू पेज भर दे रहा ये वो, नहीं मुझको ये नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए जब मैं आयुष के साथ हूँ ना बस वो, क्योंकि मैं खुद भी देख के बहुत खुश होती हूँ। जब मैं दुबई आ जाऊंगी ना तो फिर मैं अपनी मेमोरीज देखूंगी बस, कि जब मैं वहां पर होती हूँ तब तो मैं फोलियो देख ही नहीं पाती बिल्कुल भी। लेकिन आकर जाने का टाइम आ गया गाइस। फिर आने का टाइम भी आएगा यार, कष्ट तो यो दुख तो खत्म हो सकते ही ना। एफ आई भी तो आई गाइस, डबल टैप एवरीवन, डबल टैप एंड शेयर द लाइव गाइस। आप लोगों ने आज का व्लॉग देखा था, हाउ कैन वेट फॉर इट। लो कस्तो दीदी आना यारे यार, सब होते पता है, मामा बड़े वाले मामा भी होते, अनिल मामा के सामने तो मैं तो पिस और फिर सभी होंगे यार। लाज किन्ना बाबा, मैं मम्मी को बोलूंगी मम्मी आप ना थोड़ी देर में आइए, आप थोड़ी देर में आइएगा जरा, थोड़ी सी देर। मैं ना वो एयर होस्टेस को बोलूंगी मम्मी को, मैंने मम्मी को टॉयलेट में भेजा है, आप बाहर से जो है ना लॉक कर दे डोर। मैं फटाफट निकल के चली जाऊंगी, आक्षेप कर लूंगी ठीक है। मम्मी मेरे बच्चे कहाँ गए, ये रोस्टर्स भैया वो तो आपको चकवा देंगे चले गए। अच्छा हम लोग जा भी नहीं बता रही थी, एयर अरेबिया वगैरह से नहीं जा रहे हम लोग, तो आप लोगों की एयरलाइन से जा रहे हैं। नेपाल एयरलाइन जिंदाबाद। गाइस तो हम ऑन द वे हो गए ठीक है, और हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, हमको इस वक्त तक एयरपोर्ट पर होना चाहिए था बिकॉज 3:55 पे हमारी रवानगी हो जाएगी, मतलब हमारा एरोप्लेन उड़ेगा तो 3 बजे तो पहुंचे तो अभी हो रहे 2:00 आई थिंक 10 मिनट हो रहे ना, तो अभी जाते जाते हमको 25 मिनट लगने वाले, लेकिन अल्लाह करीम कोई नहीं। और फिर ये मुझे ब्लॉग जो है अपलोड भी करना है, तो अल्लाह करीम ये हो जाए अपलोड। वो क्या बोलते हैं, थंबनेल तो मैं वहीं पर ही लूंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ बिकॉज सभी है, और मुझे था कि इज्मा नहीं होगी, इज्मा नहीं, लेकिन इज्मा भी आ गई है मस्त इधर, ये रही और मम्मा ये रही, पापा ये रहे, पापा ड्राइव कर रहे हैं, और हम रात के वास्ते बेचारा तो आधा नींद में आधा जाग रहे, अपना लैपटॉप भी भूल कर आ गया था बेचारा अपना वासे, क्या सीन था, मुझे लगा इज्मा को लेने के लिए जा रहा है बड़ी शांति से, नेपाल एयरलाइंस ये बहुत गलत बात है भाई, आप लोग ये टाइमिंग मत दिया करो प्लीज।
को 5 घंटे की फ्लाइट से जेट लैग भी हो सकता है। पहले ना इस्मा को बोला ट्रॉली लाने के लिए, तो ये देखो इस ट्रॉली को छोड़ के वो ट्रॉली लेने के लिए जा रही है। इस्मा, इस्मा तुमसे बड़ी अंधी नहीं देखी, तुम्हें इतनी बड़ी ट्रॉली नहीं दिखी यार। क्या पागल वागल हो, बिल्कुल ही पागल एकदम। क्या बन रही हो? तो गाइस इस बार ये रही, ठीक है। मैंने बोला इसमें को दिखा दी थी, अभी हम लोग जो है क्या बोलते थंबनेल लेंगे अच्छा सा। और इस बार कैसा लग रहा है यार? मैं तो कसम से भी रोने वाली हूँ, मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम की शादी होने वाली, पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही है। अरे ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने इज्मा के बिना जो है ना मैं अपनी कोई सेलिब्रेशन कर रही हूँ और कहीं जा रही हूँ। मैं कसम से बहुत डरी हुई हूँ, बिकॉज इज्मा जिस तरीके से मुझे गाइड करती है, आज मेरी मांग हुई हुई थी। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, कोई नहीं करता। जो अभी आज मेरी मांग हुई हुई थी, तो इसने मुझे बताया कि यप्पी आपकी मांग है वो। चलो आओ इज्मा, मैं बहुत डरी हुई गाइस कसम से। डरना मत अम्मी से यप्पी, नहीं वल्ला मत लड़ना। गाइस अब आ गए हम लोग अंदर, बाबा आगे आगे जा रहे बोर्डिंग करवाने के लिए। इमा सही लग रही हूँ मैं गाइस? तो ये मेरी लास्ट ट्रिप है इज्मा के साथ और बाबा के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है बोर्डिंग करवाने के लिए चले जाएंगे, और इसमें मुझे बहुत मिस करना, लेकिन मैं इज्मा के साथ कॉल पे रहूँगी, बिकॉज मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। तो मैं जब खाना खाने जाऊँगी तब भी कॉल, हर जगह कॉल। हम भी जब पार्टी करेंगे, हम भी रोज तुम्हें कॉल करेंगे। नहीं करो, हम लोगों ने पिज्जा बनाना है, पिज्जा बनाना है, पार्टी करनी है। तो मैं यहीं पे ही अपना व्लॉग जो है बंद करती हूँ, ठीक है, बिकॉज इसके बाद अब मैं आगे से अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी, अपनी नेपाल की जर्नी, ठीक है। और आई विल बी मिसिंग यू अ लॉट, आई लव यू सो मच। प्लीज आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। ये जो है ना इज्मा ने ना मुझ एक नई टेक्निक सोची। इज्मा बोलती है मैं तेरे को व्यूज नहीं दूंगी, तो रोना बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, कैमरा बंद करेगी तो रो। बाय बोल दो। बाय गाइस, टेक केयर गाइस। अब जो व्लॉग देखोगे आप लोगों मेरा नेपाल से ही देखोगे, और उसमें इज्मा आपको नहीं, इज्मा की मौजूदगी नहीं दिखाई देगी, तो यही है। अब आई सी गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग नेपाल में। बाय गाइस, बाय। मेरी आंख में रो रही।